खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 21वां बाब। और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की और उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामला हुई और अब्राहम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और अब्राहम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा के पैदा हुआ इसहाक रखा। और अब्राहम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इसहाक का खुतना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ। और जब उसका बेटा इसहाक उससे पैदा हुआ तो अब्राहम 100 बरस का था। और सारा ने कहा कि खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। और ये भी कहा कि भला कोई अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, क्योंकि उससे उसके बुढ़ापे में मेरे एक बेटा हुआ और वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ी ज़ियाफ़त की। और सारा ने देखा कि हाजरा मिस्री का बेटा जो उसके अब्राहम से हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने अब्राहम से कहा कि इस लौंडी को और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। पर अब्राहम को उसके बेटे के बायस ये बात नहायत बुरी मालूम हुई। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे, जो कुछ सारा तुझसे कहती है तू उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा और इस लौंडी के बेटे से भी मैं एक कौम पैदा करूँगा, इसलिए कि वो तेरी नस्ल है। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मशक ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़की को भी उसके हवाले करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बैर सबा के बयाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मशक का पानी ख़त्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और आप उसके मुकाबले एक तीर के टप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो ना देखूं। सो वो उसके मुकाबले बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और खुदा ने उस लड़के की आवाज़ सुनी और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ऐ हाजरा तुझको क्या हुआ, मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज़ सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया, और खुदा उस लड़के के साथ था। और वो बड़ा हुआ और बयाबान में रहने लगा और तीरंदाज बना, और वो फरान के बयाबान में रहता था। और उसकी माँ ने मुल्क मिस्र से उसके लिए बीवी ली। फिर उस वक्त यूं हुआ कि अभी मलिक और उसके लश्कर के सरदार फीकल ने अब्राहम से कहा कि हर काम में जो तू करता है खुदा तेरे साथ है, इसलिए तू अब मुझसे खुदा की कसम खा कि तू ना मुझसे ना मेरे बेटे से और ना मेरे पोते से दगा करेगा, बल्कि जो मेहरबानी मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू भी मुझ पर और इस मुल्क पर जिसमें तूने कायम किया है करेगा। तब अब्राहम ने कहा, मैं कसम खाऊंगा। और अब्राहम ने पानी के एक कुएं की वजह से जिसे अभी मलिक के नौकरों ने ज़बरदस्ती छीन लिया था अभी मलिक को झिड़का। अभी मलिक ने कहा, मुझे खबर नहीं कि किसने ये काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया और ना मैंने आज से पहले इसकी बाबत कुछ सुना। फिर अब्राहम ने भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर अभी मलिक को दे दिए और दोनों ने आपस में अहद किया। और अब्राहम ने भेड़ के 7 मादा बच्चों को लेकर अलग रखा। और अभी मलिक ने अब्राहम से कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को अलग रखने से तेरा मतलब क्या है। उसने कहा कि भेड़ के इन 7 मादा बच्चों को तू मेरे हाथ से ले ताकि वो मेरे गवाह हों कि मैंने ये कुआं खोदा। इसीलिए उसने इस मकाम का नाम बैर सबा रखा, क्योंकि वहीं उन दोनों ने कसम खाई। सो उन्होंने बैर सबा से अहद किया
तब अभी मलिक और उसके लश्कर का सरदार फीकल दोनों उठ खड़े हुए और फिलिस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब अब्राहम ने बैर सबा में झाव का एक दरख्त लगाया और वहां उसने खुदावन से, जो अब्दी खुदा है, दुआ की और अब्राहम बहुत दिनों तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।